तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम NMDC क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 2018 में पूछे गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दंतेवाड़ा, गीदम, बस्तर, किरंदुल, बचेली, छत्तीसगढ़ GK के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बचेली की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21,435। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरंदुल की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18,887। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMDC DAV पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गीदम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा में कितने मतदान केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 272। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा में मोरिया आंदोलन किसके विरोध में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरबली प्रथा के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा ग्रह या घोटुल प्रथा कहाँ प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बस्तर में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा में कितने नगरपालिका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 नगरपालिका है, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली और किरंदुल। यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। छत्तीसगढ़ की कितनी विधानसभा सीट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90 है और एक एंग्लो इंडियन के लिए है, टोटल 91 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा में विधानसभा सीट होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा में सतनाम भवन कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बचेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर में कितनी तहसील है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा जिला के कितने समवर्ती जिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जिले हैं, समवर्ती जिले। ये जिले हैं बस्तर, बीजापुर और सुकमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI किरंदुल का IFSC कोड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SBIN 0002866। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI बचेली का IFSC कोड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SBIN 0003183। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीपक जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोयलंका ग्राम पंचायत किस विकासखंड में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीदम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर संभाग में कितने जिले हैं?
इसका आंसर हो जाएगा 7 जिले हैं बस्तर संभाग में, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर और बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शासक के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाशिव गुप्त बाला अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नारायणपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम उत्खनन कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महासमुंद में हुआ 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरंदुल की कुल आबादी जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18,887। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेश्वरी मंदिर को किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा अन्नमदेव ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनी माता भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसपाल किस विकासखंड के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गीदम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में NMDC बचेली कॉम्प्लेक्स के GM कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PK मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रस्तावित दंतेवाड़ा की बड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा का उत्तरी विकासखंड है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गीदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचेली का पिन कोड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 494553। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।